एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, या फिर आप इसे इंडियन मील प्लान फॉर वेट लॉस भी कह सकते हैं। यह 1200 कैलोरीज का मील प्लान है और यह डे 2 का मील प्लान है। मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ डे 1 का मील प्लान शेयर किया हुआ है। इस वीडियो की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। और आगे जाके मैं आप सभी के साथ टोटल 10 डेज की सीरीज वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डे 1 से लेकर डे 10 में आपको क्या क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। अगर आप इन डाइट प्लान्स को देखकर प्रॉपरली अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप 1 मंथ में 5 to 10 केजीज तक का जो वेट है ये रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस डाइट प्लान में आपको सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या खाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको मेथी का दाना लेना है जो कि ओवरनाइट सोक्ड होना चाहिए, ये आपको 1 चम्मच लेना है। और इसके साथ में आपको 1 ग्लास का गर्म पानी पीना है, जिसे कि आपको धीरे धीरे करके सिप करते हुए लेना रहेगा। मेथी का दाना लेने के करीब 30 मिनट के बाद आपको डिटॉक्स जूस लेना है। काफ़ी हेल्दी है ये जूस, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके घर में जो सामान अवेलेबल है उसी से ही आप ये जूस को बना सकते हैं। सो इस डिटॉक्स जूस को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का खीरा, साथ में हम यहाँ पर लेंगे 1 आंवला। चूँकि अभी सर्दी का सीज़न है आपको आंवला ईजिली मिल जाएगा। अगर इन द केस आपको आंवला अवेलेबल नहीं होता है तो उस मोमेंट में आप इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, या फिर जो नींबू का ऊपर का जो छिलका होता है उसको कीस के आप थोड़ा उसमें जूस में ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा अदरक। इन सारी सब्जियों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सर जार में या आप जूसर जार में ऐड कर लीजिए। और इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसे आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसे स्ट्रेनर की मदद से आप स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए, ये पूरे पल्प के साथ इस जूस को पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पहले आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए और आधा पल्प जो है ये फिर से आप अपने डिटॉक्स जूस में ऐड करिए। और जो बाकी का आधा पूरा बचा हुआ पल्प है इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आप जब रोटी खाते हैं लंच के टाइम पे तो आप एज अ चटनी के फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। सो इस पल्प को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें ही आपको फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। सिंगल सर्विंग डिटॉक्स जूस में हमें 32 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 0.88 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6.49 ग्राम्स है, फैट 0.21 ग्राम है और फाइबर इसमें 3.76 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है। चूँकि इसमें हमने आंवला डाला है, आंवले में विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके वजन को कम करेगा। डायबिटीज़ में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो उसे कम करेगा। अगर आप रेगुलरली आंवले का सेवन करेंगे तो इससे आपकी कब्ज की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आंवला आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल होता है, सो आप आंवले का जूस रेगुलरली ऐड करिए, या तो फिर आंवले को डायरेक्टली आप कद्दूकस कर लीजिए और सब्जी जब पूरी बन जाती है उसके बाद आप कद्दूकस किया हुआ आंवला जो है ये सब्जी के ऊपर डालकर आप इसे ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 के बीच में हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप मिलेट उपमा ले सकते हैं और इसमें ऊपर से आप 1/2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का गाजर, इसका वज़न 100 ग्राम है। साथ में मैंने 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया हुआ है या फिर कैप्सिकम, इसका वज़न 60 ग्राम है। और यहाँ पर मैं 1/2 बड़े साइज़ का प्याज ले रही हूँ, ये भी 60 ग्राम का है। और मिर्ची मैंने 1 लिया है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची लेना है। इन सारी सब्जियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ शेंग दाना या फिर पीनट, ये मैं 10 ग्राम का ले रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिटिल मिलेट, या फिर आप इसे समय भी कह सकते हैं, ये मैं 30 ग्राम का ले रही हूँ। और अगर स्पून से बताऊँ तो मैंने 4 चम्मच यहाँ पे लिटिल मिलेट लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने कितनी कम मात्रा में समय राइस को लिया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान है तो पोर्शन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी के लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच लिटिल मिलेट लिए हैं। अगर आप 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लिटिल मिलेट को ले सकते हैं। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और पैन यहाँ पर गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले तो हम जो पीनट्स हैं इसे हम रोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं फिर जीरा ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसके बाद जितनी भी कटी हुई सब्जियाँ थी वो सभी हमें इसमें ऐड करके इसे एक 4 से लेकर 5 मिनट तक हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। चूँकि हम उपमा बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, मैं हल्दी को स्किप की हूँ, केवल मैंने इसमें नमक को ऐड किया है और इसे ढक कर करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दिया है। तो जब तक हमारा सब्जी जो है ये कुक होता है, मैं आपको थोड़े से लिटिल मिलेट के हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो जो समई राइस होता है ये ग्लूटेन फ्री है, तो जिन्हें थायराइड की परेशानी है, PCOD की परेशानी है, वो भी इसे इजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ाइबर मिलेगा, आयरन इसमें भरपूर मात्रा में है और साथ में इसमें सॉल्युबल फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सो फ्रेंड्स, कभी आप नॉर्मल सूजी की जगह पे समई राइस का भी उपमा बनाकर अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ देखेंगे तो सब्जियाँ जो है अच्छे से पक गई हैं। मैंने इसमें अभी जो समई राइस है वो ऐड किया है और करीब 1 कप का पानी इसमें ऐड किया है और इसे ढक कर 10 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दिया है। हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर लिटिल मिलेट की उपमा जो है ये बनकर रेडी है। चूँकि हमने ज़ीरो ऑयल का उपमा बनाया है, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं या तो फिर आप इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1/2 चम्मच इसमें प्योर घी भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें 254 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 7.9 ग्राम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट 33.8 ग्राम्स, फैट 8.8 ग्राम्स और फाइबर 9.36 ग्राम्स के करीब मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग की, यानी 11:30-11 बजे अगर आपको भूख लगती है तो क्या खाना है। इस टाइम पर आप एक बड़ा बाउल भर कर पपीता अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पपीता में कैलोरीज काफ़ी कम मात्रा में होती है लेकिन इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सो ज़रूर आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में रेगुलरली ऐड करिए। 250 ग्राम पपीता या फिर एक बड़ा बाउल भरकर पपीता में हमें 60 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 1.05 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 11.5 ग्राम्स है, फैट 0.40 ग्राम है और इसमें फाइबर हमें 7.08 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं लंच की, तो लंच 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। लंच में आप ले सकते हैं बैगन का भरता, रायता, ओट्स की रोटी और थोड़ा सा सैलेड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बैगन का भरता है ये हमें किस तरीके से बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन ले रही हूँ, इसका वज़न करीब 6 ग्राम तक होगा। आधा मैंने यहाँ पर प्याज लिया हुआ है और साथ में मैंने आधा यहाँ पर टमाटर लिया है। 1 मैं ले रही हूँ मिर्ची, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है फ्रोज़न ग्रीन पीस जो कि मैंने 30 ग्राम के आसपास का लिया है। साथ में ये एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे बैगन लिया है, क्योंकि मैं रायता भी बनाने वाली हूँ और उसका भरता भी बनाने वाली हूँ तो मुझे इसीलिए बड़े साइज़ का बैगन लग रहा है, क्योंकि दोनों जो रेसिपी है उसमें हमें बैगन को रोस्ट करना पड़ता है। सो आधी जो है ये भरते में इस्तेमाल होगी और आधा जो बैगन है ये हमारे रायते में इस्तेमाल होगा। सो बैगन को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, इसे थोड़े से तेल से हमें अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है और चाकू की मदद से हर जगह पे इसे हमें इस तरीके से प्रिक करना है। प्रिक करेंगे तो इससे बैगन जो है वो अंदर तक अच्छे से पकेगा। फिर हमें इसे गैस में रख कर अच्छे से दोनों साइड से रोस्ट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छिड़का है और इसे हमें थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने देना है। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो ऊपर का जो कवर है ना ये हमें निकाल देना है। चॉपर में मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन को ऐड किया है और इसे इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेना है। यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है और उसमें 1 चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा राई ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें जीरा ऐड कर लीजिएगा, कड़ी पत्ता, मिर्ची और हींग ऐड करिएगा। ये सारे स्पाइसेस खाने ज़रूरी है। कई लोग वेट लॉस करते हैं ना तो वो स्पाइसेस को अवॉइड कर देते हैं, जबकि स्पाइसेस खाएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट रहता है वो बढ़ता है। सो स्पाइसेस को ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करिएगा। अभी इसमें मैं जो कटा हुआ प्याज और लहसुन का पेस्ट है ये ऐड कर रही हूँ, ये फ्राई हो जाएगा। फिर हमें इसमें टमाटर ऐड करना है और आधा जो रोस्टेड हमारा बैगन है वो हमें इसमें ऐड करना है, करीब 200 ग्राम का। इसमें मैंने फिर थोड़ा सा
हल्दी ऐड किया है, आपको अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है, धनिया का पाउडर ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 से लेकर 6 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। ऊपर से थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए और हमारी एक हेल्दी बैंगन की भरता जो है ये बनकर रेडी है। तेल का इस्तेमाल ध्यान से करिएगा, जितना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उतना ही आपको लेना है, अदरवाइज़ कैलरीज जो हैं वो इस रेसिपी के बढ़ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि रायता को कैसे बनाना है। आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंगन का रायता भी बनता है क्या? जी हाँ, बनता है। साउथ में ये बनाया जाता है और इसे वंकाई पेरुगु पचड़ी कहा जाता है, यानी बैंगन का रायता। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। ऐसे मैंने करीब इसमें 5 चम्मच दही ऐड किए हैं, 100 ग्राम इसका वज़न होगा। और इसमें मैं आधा जो रोस्टेड बैंगन था ना उसको एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, मैश कर लिया है और इसमें हमें उसे ऐड करना है। ऊपर से मैं इसमें चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप जो हरी मिर्ची होती है उसे फाइनली चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपकी एक हेल्दी बैंगन की जो रायता है ये बनकर रेडी है। अब हम देखते हैं कि ओट्स की रोटी बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा में आटा को लेना है। सो यहाँ पर ओट्स की रोटी बनाने के लिए हम लेंगे 30 ग्राम का आटा, या फिर यूँ कहूँ 3 बड़े चम्मच आपको आटा लेना पड़ेगा ओट्स का। इसे मैं गर्म पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको देखना है कि ओट्स की रोटी को बेसिकली किस तरीके से, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनाना है, सो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो ओट्स की रोटी जैसे आपकी गेहूं की रोटी फूलती है ना, सेम वैसे ही फूलती है। काफ़ी हेल्दी है ये। और ओट्स की रोटी जो है, जिन्हें PCOD थायराइड की परेशानी है और ग्लूटेन सेंसिटिविटी के इशू है, वो भी इसे इजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओट्स में बीटा ग्लूकेन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये एक तरीके का सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है उसे कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है और वज़न को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ देखेंगे तो ओट्स की रोटी जो है मेरी, ये देखिए कितने अच्छे से फूली है। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप भी अपने घर में ईजिली ओट्स की रोटी बना सकते हैं। सो लंच में आप ले सकते हैं थोड़ा सा प्याज, बैंगन का जो भरता है ये, और बैंगन का रायता भी ले सकते हैं, और आप एक ओट्स की रोटी भी ले सकते हैं। ये जो भी रेसिपी मैंने आपको बताई है ना, ये सिंगल सर्विंग की बनी हुई है। पूरे इस लंच के प्लेट में हमें 378 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 16.09 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 46.9 ग्राम्स है, फैट 12.1 ग्राम है और फाइबर इसमें 22.19 ग्राम मिल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इवनिंग के टाइम पे, यानी 4-4:30 बजे के आसपास में आपको क्या लेना है। तो एक हेल्दी हाई प्रोटीन चाट मैं आपको बताती हूँ, बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 30 ग्राम का शेंगदाना। ये 2 लोगों की सर्विंग है। अगर आप सिंगल अप लिए बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट को आपको आधा कर देना है। 15 ग्राम का शेंगदाना लेना है और साथ में मैंने यहाँ पे रोस्टेड चना लिया है, ये भी 30 ग्राम का है। सिंगल आप अपने लिए बनाएंगे तो 15 ग्राम का ही आपको लेना है। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ, कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं कटी हुई कुकुम्बर या फिर ककड़ी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा आप ऊपर से इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए, टेस्ट के लिए आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स या फिर ग्रीन चिलीज होती है उसे चॉप करके ऐड कर लीजिए। और मैंने ऊपर से नींबू का रस इसमें ऐड किया है। आपको लगता है कि इसमें नमक चाहिए तो थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लीजिएगा। हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन चाट जो है ये बनकर रेडी है। ये 2 लोगों की सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें 158 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 7.89 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 15.9 ग्राम्स है, फैट 5.23 ग्राम है और फाइबर इसमें 7 ग्राम मिल रहा है। इसके साथ में आप 1 कप का ग्रीन टी भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिनर में क्या खाना है। डिनर जो है ये 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे डिनर उतना अच्छा है। सो डिनर में आप ले सकते हैं मशरूम स्टिर फ्राई। सो इसे बनाने के लिए एक हमें प्याज लेना है मीडियम साइज़ का, इसका वज़न 60 ग्राम है। साथ में मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया हुआ है मीडियम साइज़ का, ये भी 60 ग्राम का है। और एक बड़े साइज़ का मैंने शिमला मिर्च लिया हुआ है, 60 ग्राम है, अंदर का बीजा मैंने हटा दिया था। और 1 बड़ा चम्मच भरकर हमें इसके लिए लहसुन चाहिए रहेगा। और साथ में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये है हरा मटर या फिर ग्रीन पीस, ये मैं 50 ग्राम का ले रही हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ मशरूम 200 ग्राम का, ये बटन मशरूम है। मशरूम एक लो कैलोरी वेजिटेबल है लेकिन इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। सो जिन्हें वज़न कम करना है वो मशरूम को ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं।
सारी सब्जियों को हमें लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आप सारी सब्जियों को कट कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 ग्राम का बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप 1 चम्मच का तेल ऐड कर सकते हैं। और जो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ ये अनसॉल्टेड बटर है। पैन भी गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा बटर ऐड किया है। सबसे पहले प्याज को ऐड करके हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हमें सारी सब्जियों को ऐड करके हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और इसको ढक के कुक होने के लिए रहने दीजिए। ये जो सब्जियाँ हैं ये पानी को रिलीज़ करेंगी, सो उसी पानी से ही ये जो सारी सब्जियाँ हैं ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। आपको अलग से ऊपर से कोई भी इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब पानी इवेपरेट हो जाएगा तब हमें इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करिएगा। पहले भी नमक डाला था तो थोड़ा ध्यान से ऐड करिएगा। पास्ता का मसाला ऐड करिए, ऑप्शनल है, चाहे तो डालिए नहीं तो स्किप करके केवल चाट का मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और 1 से लेकर 2 मिनट तक आप इसे कुक होने के लिए रहने दीजिए। एक हेल्दी आपकी हाई प्रोटीन लो कैलोरी मशरूम वेजिटेबल स्टिर फ्राई जो है ये बनकर रेडी है। और ये सिंगल सर्विंग है। सिंगल सर्विंग में आपको 201 कैलोरीज मिल रहा है। प्रोटीन 13.8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 22.8 ग्राम है, फैट 5.42 ग्राम है और फाइबर 12.78 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी फ्रेंड्स, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं बेड टाइम की। सो बेड टाइम करीब 9:30 बजे के आसपास में आप 1 छोटा ग्लास भरकर दूध ले सकते हैं, करीब 150 ml के आसपास। ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा केसर डालिए और थोड़ा सा टर्मरिक भी डालिएगा, लेकिन आप इसमें शुगर का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। 1 छोटे ग्लास दूध में हमें 100 कैलोरीज मिलेंगी। प्रोटीन 4.8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6.6 ग्राम और इसमें फैट 6.15 ग्राम्स मिल रहा है, फाइबर 0 ग्राम है। अगर आप गाय का दूध नहीं लेते हैं तो उस मोमेंट में आप 250 ग्राम का बादाम का दूध भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे दिन भर के डाइट प्लान को बनाने के लिए आपको जो जो ग्रॉसरी लगेंगी, यानी जो जो आपको राशन लगेगा, सब्जियां हैं या फिर दाल है या फिर ग्रेन्स है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दे रही हूँ। स्पाइसेस और जो सॉल्ट है ये आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। इन सारी रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो फूड आइटम का हमने यूज़ किया है और जितनी मात्रा में यूज़ किया है वो हमें डाइट कुंडली ऐप में इंसर्ट करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, यानी उसमें कितनी मात्रा में एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। अगर आप इन सारी रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं, पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आप इसका जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाइट कुंडली ऐप के फ्रंट पेज में जाइए। यहाँ पे जो रेसिपी का जो टैब है इसे प्रेस करिए। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे कई सारे टैब ओपन हो जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस रेसिपीज़, PCOD फ्रेंडली रेसिपी, थायरॉयड फ्रेंडली रेसिपीज़। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इन सारी रेसिपीज़ को भी पढ़ सकते हैं। और भी मैंने आप सभी के साथ कई सारे रेसिपी शेयर किए हुए हैं, इन्हीं भी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। इस पूरे दिन भर की डाइट प्लान में हमें कैलोरीज 1195 कैलोरीज मिल रही हैं, करीब 1200 कैलोरीज के आसपास हैं। प्रोटीन 54 ग्राम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट 142.72 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू, फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।